करनाल में एक छात्रा की नहर में कूदने का मामला सामने आया है। दरअसल बीए की छात्रा ही बताई गई है, घर पर कोई विवाद हुआ जिसके चलते कदम उठाया, ये शुरुआती जानकारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, अभी छात्रा को ढूंढने का प्रयास जारी है। तो करनाल का मामला बताया ये जा रहा है कि बीए की छात्रा ने घर पर हुए किसी विवाद के चलते ये कदम उठाया। हालांकि छात्रा को अभी तलाश नहीं किया गया है, छात्रा को ढूंढने का प्रयास जारी है। करनाल से बड़ी खबर, घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है, छात्रा को ढूंढने का प्रयास जारी है। तो ये बड़ी खबर करनाल से, जहां घरेलू विवाद के चलते, परिवार में विवाद के चलते छात्रा ने कदम उठाया, नहर में कूदने का ये मामला सामने आया है। तो पुलिस मामले की जांच भी कर रही है, साथ ही अभी छात्रा की तलाश भी जारी है। तो करनाल से ये खबर आपको एक बार फिर से बता दें, बीए की छात्रा ने नहर में छलांग लगाई, घर पर किसी विवाद के चलते ये कदम उठाया गया है। कमरजीत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। कमरजीत, क्या जानकारी है और छात्रा की तलाश से जुड़ी क्या कोई अपडेट है अभी? देखिए, ज्योति, अगर बात की जाए तो ये छात्रा बीए की छात्रा थी और खालसा कॉलेज में पढ़ती थी और काशवा गांव की रहने वाली थी और कहीं ना कहीं परेशान थी। किस वजह से परेशानी थी, घर से परेशान थी, क्या है, ये सब जांच के विषय है और पुलिस जांच कर रही है। पुलिस मौके पर है। गोताखोर प्रगट सिंह और उसके साथ अगर बात करें जो दो पुलिस के जो गोताखोर है वो भी मौके पर है। तमाम जो समाजसेवी संस्था है वो भी कहीं ना कहीं डेड बॉडी को ढूंढने की जरूर कोशिश की जा रही है, लड़की को ढूंढने की कोशिश की है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि बीए की छात्रा और उसकी सिस्टर भी जो दूसरी उसके साथ थी, क्यों छलांग लगाती, क्या कारण है, सब एक जांच का विषय। पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। उसके साथ अगर बात की जो परिवार के लोगों से बातचीत हुई, जो चाचा थे, जो दूसरे थे, उनका यही कहना था कि फिलहाल हमारा ऐसा नहीं लगा था कि शिया ऐसा काम करेगी। चलो, बहुत शुक्रिया कमरजीत, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो कमरजीत हमारे संवाददाता आपको जानकारी दे रहे थे, छात्रा की तलाश जारी है, पुलिस और साथ ही स्थानीय लोग और परिवार के लोग मौके पर उपस्थित हैं।